बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हर बंदा मैदे के मसाइल का शिकार है, ग़िज़ा नाकस होने की वजह से। और आज के महंगाई के दौर में अद्वियात लेना कोई आसान काम नहीं है। एक मेप्राज़ोली का कैप्सूल ले लें, वो भी बहुत महंगा है। मैदे और दिमाग की कमज़ोरी का मुजरब नुस्खा ये मैंने ख़ुद आजमाया है, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से इंतहाई सस्ता है, और इसमें तमाम चीज़ें कुदरती हैं। जितनी महंगी एलोपैथिक दवाइयाँ उनसे ये ज़्यादा फ़ायदा देता है और बहुत ही मुफीद है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नुकसानदेह है। ये जो मैदे और दिमाग की कमज़ोरी का ये नुस्खा जो है, इतना लाजवाब है, इतना सीर है कि अल्लाह के फजल करम से तमाम अद्वियात से ये बेहतर साबित हुआ। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कुदरती ना हो। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो दिमाग को भी फ़ायदा देती हैं और मैदे को भी फ़ायदा देती हैं। इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नुकसानदेह हो। सौंफ बहुत अच्छी चीज़ है, मैदे के लिए चीज़ है बेहतरीन, दिमाग के लिए बेहतरीन चीज़ है। सौंफ एक पाव ले लें, लेकिन उसे अच्छी तरह साफ़ करें, उसमें मिट्टी रेत वगैरह के ज़रात दूर करें, उसको अच्छी तरह पीस लिया जाए बारीक पाउडर की तरह। धनिया खुशक लें, खुशक धनिया के बीज, उसे साफ़ करें, मिट्टी वगैरह दूर करें। आधा पाव धनिया लेना है, उसे भी बारीक पीसना है। काली मिर्च बाज़ार से लें, जहाँ से बेहतर मिलती है वहाँ से लें, इसे साफ़ करें, मिट्टी वगैरह दूर करें। आधी स्टांग काली मिर्च लेकर इसे भी पीस लेना है। उसके बाद आप बादाम ले लें, अगर बादाम लेते हैं तो उनकी गिरियां निकाल लें, अगर बादाम नहीं लेते तो बादाम की गिरियां एक छटाक लेनी है, अमेरिकन बादाम ले लें। बेहतर ये है कि आप बादाम लें, खुद उनकी गिरियां निकालें एक छटाक। इसके बाद चीनी एक पाव, लेकिन ज़रूरी नहीं एक पाव, आप कम भी कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों का बारीक पाउडर बनाएं, बारीक पाउडर बनाकर तमाम चीज़ों को मिक्स करें। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, इनको एक बोतल में डालें। जब सुबह के टाइम खाना खाएं, खाना खाने के बाद एक चम्मच लें। जब शाम के वक़्त खाना खाएं, खाना खाने के बाद एक चम्मच लें। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व ताला के पाक साथ की करम की वजह से, उस साथ की मेहरबानी से, चंद ही दिनों में मैदे की जुमला बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ख़ास तौर पर गैस और एसिडिटी का प्रॉब्लम जो हर बंदे को आजकल है, ये दूर हो जाएगा इससे। और ये नुस्खा मैदे के अलावा दिमाग को बहुत तकवीत देता है, और इसमें वो तमाम चीज़ें जो आसानी के साथ बाज़ार में आसानी के साथ मिल जाती हैं। इंशाल्लाह ये बनाएं, और मैं उम्मीद करता हूँ 100% इससे फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरी करे। आमीन।